मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर G9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। ये आपकी जेनरिक है, ये 6 to 8 कॉमन रहती है। अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो देखिए, ये वर्कशीट एक ही मीडियम में आई है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अगर आप लोग ने जेनरिक की अलग से कॉपी बनाई है तो आप ये उसमें करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं आई है, ओके। और इसे 6th क्लास के 7th क्लास के और 8th क्लास के तीनों क्लास के स्टूडेंट करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे वो हिंदी मीडियम में, ओके। अब अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो COVID-19 के ऊपर है। तो देखिए क्या लिखा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि वो बिहेवियर्स जो हमें कोविड के दौरान करने हैं, वो सावधानियाँ एक तरह से, है ना। आप सब जानते हैं कितना पैंडमिक है और किस तरह से हमें इससे बचना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आजकल हम लोग की ज़बान ज़द है। लेकिन देखिए, खाली ज़बान ज़द होने से फ़ायदा नहीं है। जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक की कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। यह लिखा है, रीड द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन ब्लू। नीचे जो आपको COVID-19 के कुछ बिहेवियर दिए गए हैं, उनके दौरान जो आपको हरकतें करनी हैं, जो सावधानियां बरतनी हैं, वो आपको दी गई हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ 15 प्रॉमिस। अब यहाँ पे आपको 15 प्रॉमिसेस का सेट दिया गया है, वी नीड टू फॉलो एज पार्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी जो 15 आदतें हैं, 15 वादे आपसे लिए जा रहे हैं, वो आपके COVID-19 के लिए ही बेस्ट है। क्या लिखा है, ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी को सलाम, दुआ, नमस्ते करना है आपको, तो बिना उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट हुए किए ना तो हैंडशेक कीजिए, ना ही उसे हग कीजिए, है ना। सिर्फ क्या है, दूर से हाय, हेलो, बाय बाय, जो भी करना है। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, और जो आपका फिजिकल डिस्टेंस है ना, उसको बना के रखें। जैसे यहाँ देखिए, है ना, 2 गज दूरी, मास्क से ज़रूरी। यहाँ लिखा है, वेयर reusable handmade face cover और masks at all time, यानी कि हाथ से बने हुए जो masks होते हैं वो पहने, यानी जो आपके surgical masks होते हैं उनको ना पहने, क्योंकि वो यूज एंड थ्रो होते हैं। तो ये बोलते हैं reusable पहने, जो आपने एक बार पहना उसे आप दोबारा से धो के इस्तेमाल कर सकें, इस तरह के masks वगैरह पहने। avoid touching eyes, nose and mouth, और अपने हाथ, नाक और मुँह को बेकार में बेवजह ना छुए। आगे लिखा है, मेंटेन्स रेस्पिरेशन हाइजीनिक, यानी कि जो आप सांस लेते हैं उसकी हाइजीनिक्स को भी बरकरार रखें, ऐसे गंदी जगहों पे या खुले में ऐसे ना करें, है ना। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंसली एंड थ्रोली, यानी कि लगातार सावधानी के साथ अपने हाथों को धोएं, समय समय पर हाथों को धोएं, ताकि, क्योंकि देखिए हम लोग कभी भी कहीं पे कुछ भी छू लेते हैं और देन उन्हीं हाथों से कुछ खा लेंगे तो बीमारी होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं, है ना। रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंसली टच सरफेस, यानी वो चीज़ें जो जनरली लोग आते जाते छूते हैं, जैसे किसी चीज़ का हैंडल, है ना, कोई आपकी ग्रिल, उसको आप कंटिन्यू, मतलब रेगुलरली उसे साफ़ करें, चाहे डिटॉल वॉश दें, चाहे जैसा भी आपको लगे, आपको लगता है कि नहीं सिर्फ सैनिटाइज़ करने से काम हो जाएगा तो सैनिटाइज़ करें, है ना, क्योंकि जो चीज़ें सब छू रहे हैं उसमें जर्म्स ज़्यादा होते हैं। आगे क्या लिखा है, डू नॉट स्पिट इन द ओपन, यानी कि खुले में ना थूकें, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, यानी बेकार में जब आपको ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है तो कहीं पे इधर से उधर ना जाए, घर में रहे। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, किसी के साथ दुर्व्यवहार, भेदभाव ना करें, है ना, डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक। अब क्या लिखा है, डिस्करेज क्या क्राउड, क्राउड माने भीड़ भाड़ को ख़त्म करें, इनकरेज सेफ्टी और सेफ्टी को बढ़ावा दें। Do not circulate social media post which carry unverified or negative information, यानी इस तरह की कोई भी information, जो कि कोई भी ऐसी post को social media पे circulate ना करें जो कि verified ना हो या फिर negative information दे रही हो, किसी के खिलाफ भड़का रही हो, है ना, तो उसको सर्कुलेट ना करें जिससे लोग भड़क उठे या लोगों के अंदर किसी तरह की परेशानियाँ हों। आगे आगे देखिए क्या लिखा है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन COVID-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, यानी कि जो आपके सोर्सेज हैं, जैसे आपके ऑनलाइन सोर्सेज हैं, है ना, गूगल है, तो
तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को ले COVID-19 के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे हम फिट रह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ें। आगे यहाँ क्या लिखा है, कॉल नेशनल टूल फ्री नंबर या आपकी टूल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है 1075 और स्ट्रीट हेल्पलाइन नंबर जो है एनी क्वायरी उस पर करें। अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछ रहे हैं आपको, तो नेशनली टूल फ्री नंबर है उस पर आप चाहे कॉल करें या फिर जो आपके स्ट्रीट हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कॉल करें। सीख साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस एंड एथलेक्स्ट, यानी कोई इंसान ऐसा जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है ना, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करें, उसकी मदद करें, उसके स्ट्रेस को, उसके टेंशन को कम करें, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है कोविड के दौरान ये जो आपका पैंडमिक है इसमें लोग कितने ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, टेंशनाइज हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, जॉब्स छूट गई हैं, कभी कुछ कभी कुछ, बीमार हैं, बहुत सारे लोग हमने अपनी फैमिली में ही खो दिए हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों की जो स्ट्रेस है, टेंशन है, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम आपस में एक दूसरे के साथ काम करें। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड को चुनना है। जैसे यहाँ लिखा है एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरी, तो क्या आ जाएगा, ट्रैवल। अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें, जब ज़रूरत नहीं है तो मत जाए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड फ्रिक्वेंसली एंड थ्रोली, यानी अपने हाथों को लगातार और एक समय अनुसार धोएं। या लिखा है डिस्करेज क्राउड, भीड़ भाड़ को कम करें, एंड इनकरेज, तो क्या आ जाएगा, सेफ्टी, ठीक है, भीड़ भाड़ को कम करें और सेफ्टी को बढ़ावा दें। आगे लिखा है मेंटेन फिजिकल, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, है ना, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। डू नॉट चू टम्बाकू, टम्बाकू ना खाएं, है ना, तंबाकू चबाना भी नुकसानदेह है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसके आगे ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है। जैसे नंबर वन लिखा है नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज, ट्रू, यानी वो मैसेज जो आपने वेरीफाई नहीं किया है उसे सर्कुलेट मत कीजिए, क्योंकि कुछ IT सेल होते हैं जो कि दंगे कराना या लोगों के बीच में नफ़रतें पैदा करना या सरकार के खिलाफ भड़काना ये काम करते हैं। तो हमें जब तक कि कोई भी सर्कुलेट हो, जब तक वो वेरीफाई ना हो, उसे हमें सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। कॉल नेशनल टूल फ्री नंबर 1077 फॉर एनी क्वायरी, ट्रू, यानी कि अगर हमें कोई भी क्वायरी है तो उसके लिए हम लोग उस नंबर को कॉल करेंगे। लेकिन देखिए यह नंबर आपका अलग है, यहाँ पे 1075 है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना, टूल फ्री नंबर यहाँ गलत दिया है इन्होंने, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। यहाँ लिखा डू नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेस, ट्रू, हमें खुले में नहीं थूकना चाहिए। नेवर वेयर फेस कवर और मास्क, हमें फेस कवर और मास्क नहीं पहनना चाहिए, तो फॉल्स है ये। सीख साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंग्जायटी, ट्रू, ठीक है, अगर कोई साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब है, उसे स्ट्रेस है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू, ठीक है। चलिए तो अच्छी क्वेश्चन को भी ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतने, अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।